व्हाट्सएप आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप पे नए नए फीचर को लाता रहता है। दोस्तों आप ऐसे कई फीचर का इस्तेमाल करते होंगे व्हाट्सएप में जो कि आपके एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बना देता है। एक ऐसे ही फीचर के बारे में आज बात करने वाले हैं जिसका नाम है व्यू वंस फीचर। जी हाँ दोस्तों, व्यू वंस फीचर, यह फीचर काफी कमाल का होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं इस वीडियो में इस फीचर से रिलेटेड सारा कुछ बताने वाला हूँ, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं इनटेक इंडिया। सबसे पहले दोस्तों व्यू वंस फीचर है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप इस फीचर के तहत अगर किसी को फोटो और व्हाट्सएप भेजते हैं तो वह जो पर्सन है उस फोटो और वीडियो को देखने के बाद अगर व्हाट्सएप से एक बार बैक कर जाता है तो फिर से उस फोटो और वीडियो को कभी नहीं देख पाता है, और ना ही उसका जो हिस्ट्री है वो उसके मेमोरी में रहता है या फिर उसके इंटरनल स्टोरेज में रहता है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो यही काम है, यही है व्यू वंस फीचर, यानी आपने किसी को फोटो व्हाट्सएप किया, वो देखने के बाद जब बैक करता है तो वह उसे कभी नहीं देख सकता है, दोबारा उसे कभी नहीं देख सकता है। अब आप हमसे पूछिएगा, भाई ये तो ठीक है व्यू वंस फीचर व्हाट्सएप में आ गया है, पर इसे इस्तेमाल कैसे करें? तो चलिए हम अपने फोन के स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहां से इसे बताते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड, हम अपने फोन का स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ से मैं अपने फर्स्ट व्हाट्सएप से सेकेंड व्हाट्सएप पर एक मैसेज करता हूँ व्यू टू वन फीचर के थ्रू। तो यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने गैलरी से जाकर। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो शेयर का ऑप्शन है उसके लेफ्ट साइड में एक वन का आइकन दिखाई देगा, यही व्यू टू वन फीचर है। जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं तो यह ग्रीन कलर में हो जाएगा और यह जो फोटो है व्यू टू वन फीचर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ से शेयर कर देना है। जैसे ही आप इसे शेयर करते हैं तो दोस्तों मैं अपने सेकेंड व्हाट्सएप पर आपको लेकर के चलता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड व्हाट्सएप में मुझे एक नोटिफिकेशन आया है, मैं इसे ओपन जब भी करता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फोटो है, फोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस फोटो को आप जब भी एक बार देख लेते हैं तो आप इसे दोबारा कभी नहीं देख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस पर ओपन किया, टैप किया तो यह फोटो यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर व्यू टू वन फीचर का निशानी भी लगा हुआ है। और आप जब भी इसे एक बार बैक कर लेते हैं, आप एक बार में जितना देर इसे देख सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट एक घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप इसे एक बार बैक कर देते हैं तो फिर आप इसे दोबारा नहीं पा सकते हैं, आपके ना मेमोरी में रहेगा, ना ही आपके व्हाट्सएप में रहेगा, ना ही आपके इंटरनल स्टोरेज में रहेगा, यह साफा के लिए डिलीट हो जाता है। तो मैं यहाँ से इसे बैक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर बैक किया तो आप इस पर कितना भी क्लिक कर लीजिए, कितना भी ओपन कर लीजिए, यह ओपन नहीं होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ओपेंड, यानी कि यह जो मैसेज था यह ओपन हो चुका है, आप इसे फिर से ओपन नहीं कर सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस वीडियो के साथ भी होता है। मैं अपने फिर से फर्स्ट व्हाट्सएप में आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ओपन दिखाई दे रहा है, यानी कि जो भी आपने फ़ोटो मैसेज किया था वो ओपन हो चुका है, अगला आदमी ने उसे देख लिया है और वो उसे फिर कभी दोबारा नहीं देख सकता है। यहाँ पर डबल ब्लू टिक भी लग चुका है। तो कुछ यही तरीका है, इस तरीका से आप जो भी फोटो है, जो भी वीडियो है, उसको व्यू टू वन फीचर के थ्रू भेज सकते हैं और वो आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ रहने वाला है। कोई भी दोस्त, कोई भी फैमिली मेम्बर एक बार देखा उसके बाद वो फिर से दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको नॉर्मल फीचर भी काम करता है। जैसे ही अगर इस पर आप क्लिक नहीं करते हैं व्यू टू वन फीचर, तो यह जो फोटो है यह नॉर्मली फोटो जाता है। इसमें अगर आपका कोई भी फ्रेंड फैमिली मेम्बर है वो जितना बार चाहे उतना बार देख सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जब भी डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद यह मेमोरी में सेव हो जाएगा, इसे हम कभी भी कितना बार भी देख सकते हैं। यह हुआ नॉर्मल फीचर के, यह हो गया व्यू वन फीचर के थ्रू। तो यही अंतर है व्यू वन फीचर में और डायरेक्ट फोटो सेंडिंग और वीडियो सेंडिंग में। यहाँ तक तो यह सही है कि यह जो फीचर है आपके प्राइवेसी पॉलिसी प्रोटेक्शन के लेकर बहुत ही अच्छे काम करने वाला है, लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप में ये चीज़ें भी अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो इसके चलते ये थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है। लेकिन बात वैसे भी अगर आप जनरल फोटो और वीडियो भी भेजते हैं तो उसका तो वो पूरा इस्तेमाल ही कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ हद तक फीचर सही है, लेकिन व्हाट्सएप ऐसा बोलता है कि हम व्हाट्सएप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट लेना भी उसे बंद कर।
आगे आने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों ये आगे चलकर काफी ज्यादा सेफ होने वाला है। लेकिन आपके मन में फिर से एक सवाल होगा कि भाई क्या हम इस फोटो को, इस वीडियो को जब हम बैक कर देते हैं तो उसे रिकवर कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड, आप इसे कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हैं, कभी भी इसे वापस नहीं ला सकते हैं। यह बहुत ही तगड़ा फीचर है। अगर आपने एक बार फोटो और वीडियो देखने के बाद उसे बैक कर दिया तो आप कभी भी इसे वापस नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ व्हाट्सएप के व्यू वंस फीचर के बारे में सभी डिटेल्स। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फीचर के बारे में जान सके। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल के जो लाल बटन होता है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दें, घंटी बजाकर ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।